हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं होमस और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो है 500 ग्राम्स ऑफ चिक पीस जो कि वाइट चने हैं, उनको बॉईल किया हुआ है। ये बॉइल्ड चने हैं। ये ऑलिव ऑयल है 3 खाने के चम्मच और ये है सेसमी सीड जो कि है 4 खाने के चम्मच। ठीक है, इनको अभी पहला स्टेप है, पहले स्टेप की तरफ चलते हैं और फिर बाकी अपने होमस की तैयारी करते हैं। इसके दो स्टेप्स हैं और बहुत ही आसान है। पहले स्टेप को हम करते हैं, उसके फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में है ये सेसमी सीड्स को आपने ड्राई रोस्ट करना है और इनको ग्राइंड करना है अच्छी तरह से ऑलिव ऑयल के साथ। तो पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये पहला स्टेप है, इसको ड्राई रोस्ट करें अपने ये सारे तेल को। 4 टेबलस्पून है, ये 4 टेबलस्पून्स हैं तेल, और इसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करें 1 मिनट के लिए और इसको बस डिश आउट कर लें। ये हमारा सेसमी सीड, ये हमारे तेल जो है ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गए। अब इसको आप डिश आउट कर लेंगे, 1 मिनट के लिए मैंने इनको ड्राई रोस्ट किया है। यहाँ हमारे सेसमी सीड अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, 1 मिनट के लिए मैंने इनको ड्राई रोस्ट किया है। अब इसको ग्राइंड करते हैं। ये देखें ग्राइंड करके कैसी इसकी शक्ल है। ये देखें कैसा हो गया ग्राइंड करके। अब इस टाइम पे इसको, इसके अंदर हम ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। अब इस टाइम पे इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। और इसको ग्राइंड कर दें आप। ये देखें ये तिलों की पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके सिर्फ इसके अंदर तिल हैं जिनको ड्राई रोस्ट किया और ऑलिव ऑयल के साथ पहले मैंने इनको वैसे ही ब्लेंड किया है, ग्राइंड किया है तिलों को। और उसके बाद जब ये थोड़े से पाउडर शेप में आने लगे, पाउडर फॉर्म में आने लगे, तो मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड किया। ये हमारी पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम अपने स्टेप 2 की तरफ चलते हैं जो कि इन बॉयल्ड चिक पीस को ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से। पहले इनको विदाउट किसी ऑयल के और ये तहीनी सॉस जो भी हमने प्रिपेयर की है इस सॉस के और ये चनों के पानी के बगैर हमने इनको पहले ग्राइंड करना है, अच्छे से ब्लेंड कर लें। चनों को विदाउट किसी ऑयल के पानी के इनको सबसे पहले ब्लेंड करें और उसके बाद जो सारे मसाले हैं, जो सारे ऑयल हैं और तहीनी सॉस जो भी प्रिपेयर की है तिलों वाली, उसको हम बाद में ऐड करेंगे। ये देखें इस टाइम पे ये कैसा हो गया, थोड़ा सा काफ़ी चने इसके हो गए हैं। ये देखें काफ़ी पेस्ट हो गया, अभी ये स्मूथ नहीं हुआ। इस टाइम पे आपने इसके अंदर 4 लहसुन के जवे डालने हैं और 1/2 लेमन जूस डालना है, 1/2 लेमन का जूस डालना है। और अब इसको दोबारा से आप मिक्स करें। इसमें 1/2 टीस्पून आप ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दें और साथ ही इसी टाइम पे आप ये जो प्रिपेयर तहीनी है इसको ऐड कर दें। आप इसका लिड लगा के अच्छे से इसको मिक्स करें। आपको लगे किसी टाइम पे कि थिक पेस्ट बहुत थिक है तो यू कैन ऐड दिस चना वाटर। ये जो चने का वाटर है, ये जो पानी है, आप इसको ऐड कर दें इसके अंदर और इसको अच्छे से ब्लेंड करें। तो लीजिए हमारे होमस रेडी हो गया है, इसको आप इंजॉय करें। और इसके ऊपर एंड में मैंने ऑलिव ऑयल ही थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है, 1 टेबलस्पून, और साथ ही पेपरिका पाउडर भी ऐड कर दिया। आप चाहें तो ऑप्शनल है, पेपरिका पाउडर ऐड करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। और बस आप इसको इंजॉय करें और खाएं और मुझे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।